आज प्रेस वार्ता में उपस्थित जयपुर के सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं को भारतीय युवा कांग्रेस की ओर से मैं आज के इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं और आप सभी यहां पर उपस्थित हुए उसके हेतु धन्यवाद करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, भारतीय युवा कांग्रेस पूरे देश में युवाओं को लेकर एक बहुत बड़ा कैंपेन चला रही है, जिसको प्रमुखता से राजस्थान में भी पिछले एक महीने से हम ग्राउंड पे लेकर चल रहे हैं, जिसका नाम है रोजगार दो। 2014 के बाद जब से केंद्र में भाजपा सरकार आई, उस समय से जो केंद्र में भाजपा सरकार के वादे थे रोजगार को लेकर, युवाओं के हितों को लेकर, उसका निरंतर हनन हुआ है। उसको ध्यान पे रखते हुए देश के युवाओं की आवाज बनकर और राजस्थान में हाल ही में इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल सरकार बनते ही भाजपा सरकार ने दिया है, वो आपके समक्ष है कि जैसे ही भाजपा की सरकार राजस्थान में बनती है, सबसे पहले उन्होंने युवाओं के रोजगार पर हमला किया। राजीव युवा मित्र के जो साथी थे, 5000 परिवार जिनका रोजी रोटी उस रोजगार और नौकरी से था, उसको बंद करने का काम इस सरकार ने किया। तो ये एक उदाहरण के तौर पर आपके समक्ष है कि ये सरकार, भाजपा सरकार, केंद्र में और राज्य में किस प्रकार युवाओं के खिलाफ और रोजगार के खिलाफ है उसको लेकर। और किसान जो भाई हैं हमारे, जो बार बार अपने हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, राजस्थान के किसान हो या पूरे देश के किसान हो, वो सारे के सारे आज सड़क पर हैं। उनके खिलाफ जो अन्याय हो रहा है, उनके लिए न्याय की मांग को लेकर, ये दो मांगों को लेकर कल राजस्थान युवा कांग्रेस पूरी ताकत के साथ पूरे प्रदेश से युवाओं एक जगह जयपुर में इकट्ठा हो रहे हैं और यहां से मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। जिस प्रकार प्रदेश में निरंतर सरकार का रवैया है, उसके खिलाफ राजस्थान यूथ कांग्रेस ने कमर कसा है और ये कार्यक्रम कल राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्रीनिवास वीवी जी के नेतृत्व में होगा। कल उनका भी आगमन हो रहा है, उनके नेतृत्व में हजारों की संख्या में कल युवा कांग्रेस के साथी, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया जी, हमारे प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सुदिंदर मून जी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष यशवीर सूरा जी, सह प्रभारी ऋषेंद्र मेहर जी और तमाम जो हमारे स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हैं, जिला अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, ये सारे के सारे कल कार्यक्रम में उपस्थित होंगे और सब एक साथ मिलकर मुख्यमंत्री निवास घेराव का आगाज करेंगे। आगे की बातों को रखने के लिए मैं चाहूंगा कि कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र मून जी दो शब्द रखें, उसके बाद यशवीर सूरज जी और ऋषेंद्र जी। इस प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि प्रभारी जी ने बताया, पिछले 2014 के बाद जब से केंद्र में मोदी सत्ता आई है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो और चाहे वो महिलाएं हो, तमाम वर्ग उपेक्षित हैं। युवा रोजगार के लिए तरस रहे हैं, किसान सड़क पे लाठियां खा रहे हैं और महिलाएं सुरक्षा के अभाव में पीड़ित हैं। इन तमाम चीजों को लेके राहुल गांधी जी जिस तरीके से देश भर में यात्रा निकाल रहे हैं, उसी तरीके से यूथ कांग्रेस जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक असमानता देश में जो फैली है, उसके खिलाफ मजबूती से सड़क से लेकर संसद तक और सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़ाई लड़ने का काम करेगी। इसके लिए हमारे यूथ कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी हों, चाहे वो जिले के हों, चाहे प्रदेश के हों, सभी साथी लामबंद होकर एकजुटता के साथ मजबूती से कल सेम आवाज का घेराव करने का काम करेंगे। ये लड़ाई अन्याय के खिलाफ न्याय का शंखनाद है और इसमें मजबूती से यूथ कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जमीन पे कल अपनी ताकत दिखाने का काम करेगा। ईश्वर जी धन्यवाद। आप सभी मीडिया के साथियों का आज राजस्थान युवा कांग्रेस की इस प्रेस वार्ता में
मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हमारे प्रभारी मोहम्मद शाहिद जी, सह प्रभारी ऋषेंद्र मैर जी, विधायक और प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया जी, कार्यकारी अध्यक्ष सुधिंदर मून जी, सतवीर चौधरी जी, पूजा भार्गव जी, अनिल चोपड़ा जी, तामड़िया जी, हमारे जिला अध्यक्ष पायला जी और तमाम यूथ कांग्रेस के साथी। देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है, हम लोगों का जो जन्म हुआ है वो आंदोलन से हुआ है। हमारी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और आज हम विपक्ष में हैं, चाहे वो केंद्र हो चाहे राजस्थान हो। तो आम जो देश का व्यक्ति है, राजस्थान का व्यक्ति है, जो शोषित और पीड़ित है, चाहे वो युवा हो, किसान हो, बेरोजगार हो, उनकी मांगों को मजबूती से कांग्रेस, यूथ कांग्रेस उठाने का काम करेगी। अभी सरकार बीजेपी की बनी है, राजस्थान में जनादेश उनको मिला है। अब हम विपक्ष में हैं तो हम हमारी जिम्मेवारी को समझते हैं और आज हमारी जिम्मेदारी है कि बीजेपी ने जो वादे राजस्थान में किए हैं उन वादों को बीजेपी पूरा करे। अगर वो पूरा नहीं करेंगे तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस मजबूती से इस आवाज को उठाने का काम करेगी। जो हम कल का जो हमारा कार्यक्रम है उसके माध्यम से सरकार को हम चेताएंगे, क्योंकि 2014 में जब इनको जनादेश मिला तो बहुत सारे वादे इन लोगों ने किए, चाहे 2 करोड़ रोजगार देने की बात हो, चाहे 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात हो, चाहे सबको पक्का आवास उपलब्ध कराने की बात हो, आज हर एक मोर्चे पे फैल। जब देश इनसे सवाल पूछता है, जब बेरोजगार इनसे सवाल पूछते हैं, जब किसान इनसे सवाल पूछता है, तो नए नए मुद्दे लाकर देश को भड़काने का और भटकाने का काम करते हैं। धर्म के आधार पे, जात के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, बोली के आधार पे, ये हम सब लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। पर ये देश महात्मा गांधी का देश है, ये देश सरदार वल्लभ भाई पटेल का देश है, ये देश नेहरू जी का देश है। इस देश को हमारे पिछली पीढ़ियों ने सींचा है, तब जाके ये हिंदुस्तान हमें इस रूप में मिला है। इसको हम बिखरने नहीं देंगे, इसको हम बटने नहीं देंगे और युवा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इस देश को सशक्त करने में, राजस्थान को सशक्त करने में और इस बीजेपी सरकार की जवाबदारी तय करने के लिए सड़क पे जो भी संघर्ष करना होगा, हम सब यहाँ आपके सामने बैठे हैं। और आपसे भी ये हमारी गुजारिश है कि इस दौर में आप सब लोग, मीडिया जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, आप सब लोग हमारी आवाज बनकर एक प्रदेश को और इस जनता को, हम सब लोग इस बीजेपी की सरकार को उनका आईना दिखाने का काम करेंगे। उस सब में आप सब लोगों का भी सहयोग हम चाहते हैं और हमें समय समय पर यूथ कांग्रेस को मिला भी है और आगे भी मिलेगा, ऐसी हम आपसे भी अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय युवा कांग्रेस। सबसे पहले सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद है कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाला। बाकी सभी लोगों ने अपनी बात रख दी है कि किस चीज को लेके हम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने इस देश में एक इतिहास रचा कि वो देश के लोगों को जोड़ने के लिए, गरीबों को, मजदूरों को, किसानों के लिए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की। उसके बाद अब जब देश में अन्याय बढ़ गया है, हम देख रहे हैं कि युवाओं को किस तरीके से युवाओं का शोषण किया जा रहा है, किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो इन तमाम चीजों को लेके राहुल जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली है जो लगभग 6,700 किलोमीटर चलेगी। और उसी को देखते हुए हमने राजस्थान में तय किया कि हम युवाओं के न्याय के लिए और किसानों को न्याय के लिए, हमारे राहुल जी की जो मुहिम है उसको मजबूत करने के लिए हम कल यहाँ पे मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, आवास का घेराव करेंगे और युवाओं को रोजगार की लड़ाई को लेके, किसानों के अधिकारों को लेके, हम तमाम चीजों को लेके हम इस संघर्ष को कर रहे हैं जिसका नाम हमने शंखनाद दिया है। और इसमें इस राजस्थान के गांव-गांव, ढाणी ढाणी जितने भी विधानसभाएं हैं, ब्लॉक हैं, जिले हैं, वहां से तमाम जगहों से हमारे युवा हजारों की संख्या में यहाँ पे आ रहे हैं और एक बड़ा हुजूम जो युवाओं की मांगों को ले यहाँ पे
लेके यहाँ पे रहेगा। जैसे आप सबको पता है कि यूथ कांग्रेस सदैव युवाओं की लड़ाई लड़ते रही है और आगे भी हम लड़ेंगे। कल आप सबका स्वागत है, हम आप सबको इन्विटेशन भी देते हैं और स्वागत भी करते हैं, क्योंकि जैसे यशवीर जी ने और तमाम लोगों ने बताया कि आप चौथे स्तंभ हैं और आपके ही माध्यम से देश को भी पता चले कि राजस्थान में जो सरकार डबल इंजन की चल रही है वो फेल है, वो युवा विरोधी है, किसान विरोधी है। जैसे हनुमानगढ़ में क्या हुआ है आप सबको पता है कि किसानों पे लाठीचार्ज किया गया है। आप शहीद स्मारक में देखें युवा धरने पे बैठे हैं, तो तमाम चीजें हैं जो दिख रही हैं। कल आप सबका स्वागत है, हम आपसे अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं कि कल के कार्यक्रम को आप भी देश के सामने, प्रदेश के सामने जरूर रखें। धन्यवाद। देखो जिस प्रकार से सरकार बने हुए 2 महीने भी अभी नहीं हुए हैं और हमारे युवा मित्रों को जो लगातार धरना दे रहे हैं उनको नौकरी से बाहर निकालना, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड का जो भर्ती थी उस पर रोक लगाना, उनको अभी तक नियुक्ति नहीं देना, जो रीट की जिसमें L1 था जिसमें कम से कम अभी तक 4,500 युवा साथियों को ज्वाइनिंग नहीं देना, जिनका कि पूरा पेपर क्लियर हो चुका है फिर भी राज्य सरकार द्वारा उन्हें बार बार रोकना, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये सरकार युवा विरोधी सरकार है। और सरकार का एक व्यक्ति भी पिछले 40 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे वार्ता करने के लिए नहीं आया। हमारा युवा मित्र एक साथी राजकुमार गुप्ता हमें छोड़कर चला गया, हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं युवा कांग्रेस द्वारा, लेकिन ये लड़ाई भाजपा सरकार के खिलाफ युवा कांग्रेस तब शुरू करने जा रही है तब, क्योंकि सरकार ने युवाओं को ठगने का काम पूर्ण रूप से किया। घोषणा के अंदर जो वादे किए किसानों के साथ कि 2700 रुपये हम MSP देंगे, लेकिन मात्र 100 रुपये MSP बढ़ाकर उन्होंने बंद कर दी। उन्होंने युवाओं को कहा कि हम 2.5 लाख नौकरियां 1 साल के अंदर देंगे, वो बंद करने का काम भाजपा ने किया। कम से कम अपने मुंह से बोले हुए बोल भाजपा के घोषणा पत्र में भाजपा ने पूरा करने का काम नहीं किया। और देश के अंदर किसान आंदोलन, हनुमानगढ़ के अंदर किसान साथियों पर 307 का मामला दर्ज करना हो, बाड़मेर के अंदर युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज करना हो, कहीं ना कहीं ये भाजपा की बौखलाहट दर्शाता है। मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को हम ये कहना चाहते हैं कि युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता, युवा कांग्रेस का पदाधिकारी इतना कमजोर नहीं है, आपके साथ मजबूती से युवा साथियों के साथ, युवा साथियों की आवाज के साथ हम लोग ये लड़ाई लड़ने का काम, शंखनाद करने का काम कल इसकी शुरुआत कर रहे हैं और इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर होगी। मात शहीद स्मारक से सुबह 12:15 बजे इसकी शुरुआत हम करेंगे और तमाम राजस्थान के पदाधिकारी, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्तागण, कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ पर इसमें शामिल रहेंगे और हम पूरा विश्वास युवा साथियों को दिलाते हैं कि हर एक युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता हर एक उस युवा साथी के साथ खड़ा है जिसके साथ ये सरकार नाइंसाफी कर रही है। इसको मजबूती से हम लड़ाई लड़ेंगे। हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि पूरे देश के अंदर युवाओं की आवाज है, देश के अंदर युवाओं की लड़ाई को लड़ रहे हैं, ऊर्जावान अध्यक्ष श्रीनिवासन जी उस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, तमाम युवा कांग्रेस के पूरे पदाधिकारी, बड़े नेता युवा कांग्रेस के वहां मौजूद रहेंगे। तो इसी के साथ इसकी शुरुआत युवा कांग्रेस करेगा और ये लड़ाई कल से शुरू होगी। सड़कों पर युवा कांग्रेस भाजपा सरकार के खिलाफ लड़ने का काम करेगी। ये इसी के साथ मैं अपनी बात को देखो CMR मुख्य रूप से जो ऑफिशियली होता है वो 8 नंबर ही होता है, लेकिन हमने फिर भी OTS के लिए बोला है कि हम शहीद स्मारक से OTS तक जाने का काम करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी OTS में रह रहे हैं तो हम भी भाजपा के मुख्यमंत्री का घेराव कर रहे हैं जो कि आज राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री है। देखिए इलेक्शन सिस्टम जो है वो राहुल जी की एक सोच है और आज ये जितने भी पदाधिकारी यहाँ पर हैं किसी की सिफारिश से नहीं है, अपने दम पर चुनावी प्रक्रिया में चुनाव लड़कर आकर बैठे हैं। और दूसरा जो प्रश्न आपका है,
आपसी रंजिश या आपसी मनमुटाव को लेकर। तो आज स्टेट प्रेसिडेंट के साथ दो वर्किंग प्रेसिडेंट कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। पूरे राजस्थान के जितने भी स्टेट प्रेसिडेंट का, चाहे सतवीर जी हमारे सीनियर लीडर से हमारे बीच में बैठे हुए हैं, अनिल चोपड़ा जी बैठे हुए हैं, सारे के सारे, तो यूथ कांग्रेस पूरी यूनाइटेड है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। चुनाव ही एक प्रक्रिया के तहत लिया गया, चुनाव सबने लड़ा, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी पद पर आए, और अब यूथ कांग्रेस एक ताकत बन करके भाजपा की गलत नीतियों के साथ राजस्थान में लड़ रही है और लड़ेगी। देखिए, जो युवा साथी इंटरेस्टेड हैं, जिन्होंने अपनी बात रखी है, हमारे जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं कृष्णा जी, वो स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर भी हैं यहाँ पर, तो उनके समक्ष भी बातें रखी है, चर्चाएं चल रही हैं सीनियर लीडर्स के साथ भी, जिनका सर्वे में नाम आएगा, जिनको लीडरशिप ये योग्य समझेगी, बिल्कुल उसको लीडरशिप टिकट देने का काम करेगी, ऐसी उम्मीद यूथ कांग्रेस को है। देखिए, राहुल जी की बातों को अक्सर तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, और ये आज से नहीं, आप बहुत साल पहले से आप देखोगे कि राहुल जी के कोई भी बयान को टेक्निकली लोगों के लिए अगर वो बोलते हैं, तो वो टेक्निकली गलत, टेक्निकल का गलत, टेक्नोलॉजी का गलत उपयोग करके उसको हमेशा तोड़ मोड़ के बोला जाता है। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य यही है कि अगर वो आपको किस इंटेंशन से बात कर रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या सोच के बात कर रहे हैं, राहुल जी ने उस बयान को जो दिया वो लोगों को ये समझाने का प्रयास किया कि गरीब, मजदूर, युवा, बुजुर्ग, आम लोग जो थे, जो आम शहरी लोग थे, उनको उस जगह पे आमंत्रित नहीं किया गया और बड़े बड़े लोगों को ही आमंत्रित किया गया, ये उनका कहने का तात्पर्य था। देखिए, ऐश्वर्या राय जी एक कलाकार हैं, मेरी नज़र में वो कलाकार हैं।